Hello students, how are you all? My name is Rahul Ovanshi, your math teacher. In today's video, we are going to start chapter number 2 of class 7, that is fractions and decimal. This is an introduction video. ये हमारा part 1 रहेगा, ठीक है? इसके बाद हम next video में आपको second part introduction इसका बताएंगे. So without any delay, let's start. Okay? First of all, we need to understand what is fraction. सबसे पहले हमको ये जानना है कि फ्रैक्शन हम कहते किसको हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रैक्शन किसी भी एक पूरे थिंग का एक पार्ट होता है, ठीक है, या पार्ट ऑफ अ होल थिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक चॉकलेट है, ठीक है, या कुछ भी हम समझ लें, ये चॉकलेट है आपके पास। इस चॉकलेट में कितने पीस हैं? सपोज इसके 4 पीसेज हैं इस चॉकलेट में, ठीक है। तो इस चॉकलेट के अगर आप 2 पीसेस को खा लेते हैं, ठीक है, 2 पीसेस के खा लिए आपने, तो आपने कितना फ्रैक्शन खा लिया, ठीक है। तो उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, ओके? तो देखिए टोटल कितने पार्ट थे हमारे पास, 1, 2, 3, 4। तो 4 को हम लिखते हैं कहाँ पर? नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में, ओके। और ऊपर किसको लिखते हैं? जो हमने खा लिया ना, ईटन पार्ट हमारा कितना है? 2 पार्ट्स हमने हमारे ईटन पार्ट से, तो 2 कहाँ लिख देंगे? ऊपर लिख देंगे। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2/4। गॉट इट? सिमिलरली मान लीजिए एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के 4 पार्ट्स हैं। देखिए फ्रैक्शन में एक कंडीशन ये होती है कि जितने भी पार्ट्स हों वो सारे इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तभी उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज अभी हमने यहाँ पर चॉकलेट की बात की थी, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक पार्ट छोटा हो गया, ठीक है, बाकी के 2 पार्ट क्या हो गए, बड़े हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऑल पार्ट मस्ट बी इक्वल, राइट। अभी कोई ट्राइंगल है, इसके कितने पार्ट्स हैं? देखिए इक्वल पार्ट्स हमने 4 कर लिए, ठीक है। अब मान लीजिए हमने 1 पार्ट में हैचिंग की, ठीक है, हमें ये बताना है ये पार्ट मान लीजिए हमने कट कर लिया, तो हमने कितना फ्रैक्शन कट किया, तो हम उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे? देखो टोटल पार्ट हमारे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, ओके। तो 4 कहाँ लिखेंगे हम? नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में, और 1 पार्ट हमने कट किया, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/4, ओके। मान लीजिए सर्कल है, सर्कल को हमने इक्वली डिवाइड कर लिया 4 पार्ट में, ठीक है, और इसके 2 पार्ट हमने क्या कर दिए? हैचिंग कर दिए, या मान लीजिए कट कर दिए हमने इसमें से, ठीक है। तो हमने कितना पोर्शन उसका कट किया? तो देखिए टोटल पोर्शन कितने थे हमारे पास? 4 थे, और कितने पार्ट्स हमने उसके कट कर लिए? 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2/4, है ना। सिमिलरली ये कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के हमने 4 पार्ट्स किए हुए हैं, ओके। अब मान लीजिए हम इसमें विदाउट हैचिंग वाले पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है, ओके। तो हैचिंग वाले पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/4, लेकिन विदाउट हैचिंग वाले पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा? देखिए 1, 2, 3, ऊपर लिखेंगे 3 और नीचे का लिखेंगे 4, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। आया समझ में कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ओके। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन मेनली, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन। व्हाट आर द डिफरेंस अमंग देम, ओके। तो लेट अस डिस्कस 1/1। प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसको बोलेंगे? सबसे पहले हम आपको ये और बता दें कि फ्रैक्शन हमारा होता क्या है। फ्रैक्शन होता है हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ओके। फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है ये लिखेंगे यहाँ पर हम, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हम किसको बोलते हैं? जो हमारा अपॉन के ऊपर होता है, ठीक है। और डिनोमिनेटर हम किसको बोलते हैं? जो वैल्यू हमारी कहाँ होती है? अपॉन में होती है, ठीक है, नीचे होती है। तो फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्म किस फॉर्म में होगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ओके। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इन टाइप्स को कैसे अलग अलग फाइंड करेंगे? देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है वो लेस देन होता है किससे? डिनोमिनेटर से। मतलब ऊपर जो वैल्यू होगी वो छोटी होनी चाहिए, नीचे की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो आप ऐसा कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं जिसमें आपको न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी लिखनी है और डिनोमिनेटर की उससे बड़ी लिखनी है, ठीक है। सपोज ये 5 लिख दिया, तो 5 से बड़ा हम कुछ भी नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, इट इज वाइस वर्सा ऑफ ईच अदर। तो देखिए 2/3 है, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम? 3/2। इसमें क्या होता है? न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, ठीक है, और ये लेस होता है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं? देखिए 6/5, मतलब कि ऊपर वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और नीचे क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, ठीक है, उसके कंपैरिजन, राइट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन पर। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? ये जैसे नाम से समझ में आ रहा है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, मिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। मिक्स मतलब किसी भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पर। तो देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। किस किस का? 2 टाइप्स के फ्रैक्शन का। द वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अदर इज होल नंबर, ओके।
होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके के जो नंबर होते हैं ना, जीरो से स्टार्टिंग होती है इनफाइनाइट तक। तो इसको कॉम्बिनेशन किस टाइप से लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा हमारा होल, ठीक है, और ये लिख दिया हमने 2/3। तो देखिए ये हमारा होल पार्ट है, ठीक है, और ये 2/3 क्या है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, आपने इस तरीके के फ्रैक्शन लिखे हुए देखे होंगे, उनको हम क्या कहते हैं, मिक्सर फ्रैक्शन। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, 5 and 1/3, ये भी हमारा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, क्योंकि देखिए एक हमारा होल पार्ट है, 5 क्या है, होल यानी कंप्लीट, ठीक है, और 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हमारे यूनिट फ्रैक्शन पर। यूनिट फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर ही आता है, ठीक है, बस उसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो न्यूमरेटर होता है वो हमारा हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, और आप डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरीके से कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, आपका न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, राइट। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर 3 सर्कल लिए हुए हैं सेम रेडियस के, ओके, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने इसके कितने पार्ट किए हुए हैं, 2 पार्ट्स किए हुए हैं, यहाँ पर इसके 4 पार्ट्स हैं और यहाँ कितने उसके 8 पार्ट्स हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का फंडा हम समझते हैं, देखिए कैसे, इस वाले पार्ट में हमने 2 पार्ट्स में से 1 को क्या कर दिया, हैचिंग कर दी, तो इसका फ्रैक्शन हम किस तरीके से लिखेंगे, 1/2 फॉर्म में लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पर 4 पार्ट है, 4 में से भी हमको कितना करना है, इसका हाफ करना है, ओके, 1 और ये 2, तो ये क्या होगा, इसका हाफ होगा, देखिए टोटल कितने थे, 4 थे, और 2 को हमने क्या कर दिया, हैचिंग कर दी, उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 2/4, ओके। लेकिन कहने को तो हाफ ही है, देखिए कहने को तो क्या है, ये हाफ पोर्शन है इसका, ओके। अब इसमें से कर देंगे, इसके कितने पार्ट हो जाएंगे हमारे, 4 पार्ट्स हो जाएंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, 4/8। तो देखिए हर कंडीशन में हमने हाफ पोर्शन ही उसका किया है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि लिखने का तरीका हमारा क्या है, इसमें अलग अलग है, लेकिन मतलब सभी का एक है, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए इसको लिखेंगे 1/2, ठीक है, इसको डिवाइड लगा देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 2 2 2 4, ओके, इसको भी क्या लिखेंगे, 1/2, ओके, इसको 4 से कट कर देंगे, 4 1 4 4 2 8, ये भी क्या हो जाएगा, 1/2, देखिए ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे, आए समझ में। ये जो हमने कट किया है इसको हम कहते हैं रिडक्शन, ओके, रिड्यूस करना लोएस्ट टर्म में, वो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में अभी बताते हैं। अब बात करेंगे रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म की। देखिए मान लीजिए कुछ क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 12/15 है, ठीक है, एक क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पर 5/10 के फॉर्म में है, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया 15/25, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन हमने कुछ लिए हुए हैं, इसके थ्रू हम रिडक्शन को सीखेंगे ना, रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म। तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास नंबर दिए होते हैं उसमें हम सेम नंबर से डिवाइड लगाते हैं, ठीक है, जो इन दोनों में से किसी का फैक्टर होता है, जो सेम फैक्टर जो होता है दोनों में, उसका हम डिवाइड लगाते हैं। तो देखिए 12 और 15 कौन से टेबल में आते हैं हमारे, दोनों 3 के टेबल में आ जाते हैं, ठीक है, इसको 3 से कट कर देंगे, तो देखिए 3 4 12, 3 5 15, तो इसको लोएस्ट टर्म हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 4/5। अगर ये और हमारा फर्दर अगर रिड्यूस हो जाता तो इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 4 और 5 दोनों किसी भी सेम टेबल में नहीं आते हैं ना, अलग अलग में आते हैं लेकिन सेम में नहीं आते हैं, ओके, इसको कट कर देंगे, देखिए 5 1 5 5 2 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2, इसको कट कर देंगे, कौन से टेबल में आएंगे दोनों, 5 के टेबल में आ जाएंगे, 5 3 15, 5 5 25, इसको क्या लिख देंगे हम, 3/5, गॉट इट। सो दिस इज द एंड ऑफ अवर पार्ट फर्स्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।